ले आप फिर से उसको प्रैक्टिस कर दे। शट डाउन कर दें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अमरवीर। अमरवीर इंस्टॉल किया है तो नहीं अपने सिस्टम पे? सर मैंने तो कब का किया हुआ है, जब मतलब आपने पहले बोला था। हाँ, और जो अभी लास्ट वीक में जो क्वेरीज दी थी वो करके देखी व्हीकल्स वाली? एक्चुअली मेरी लास्ट वीक एक क्लास मिस हुई थी। हाँ चलो कोई बात, उसमें शायद आपने दी थी। प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो? हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। चल नहीं कर लो, ये कैमरा ऑन कर लो। हाँ जी चेतन जी, फिर ये माई एसक्यूएल कर लिया इंस्टॉल सिस्टम पे? सर इंस्टॉल करके रखी है सर अभी तो। अच्छा, यूज नहीं की सर अभी। शाम को रख ले फिर क्लास एक। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है सर, कर शाम को एक क्लास में डेमोंस्ट्रेशन कर देते हैं कैसे करना है। ठीक है, 4 to 5 देख लेंगे। देख लेंगे, टाइम होगा तो सर आ जाएंगे क्लास में। और बाकी सिलेबस खत्म हो गए? मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। सर मैथ का हो गया है, फिजिक्स का थोड़ा एक चैप्टर रह गया है, केमिस्ट्री का पढ़ा अभी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। पेपर जनवरी में? हाँ जनवरी में हो जाएंगे पेपर। आप इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्या है? एक्चुअली पता क्या है, दैट इज उसमें फोकस रहता है कि बच्चे जो हैं वो प्लस टू में अच्छी तरह से फोकस कर ले अपने अपने, आपको टाइम प्लस टू में ज्यादा मिल जाए। आप लोगों को प्लस टू में ये फोकस होता है कि आपको दो बार तीन बार आपका सिलेबस रिवाइज हो जाए, और प्लस वन में एक दो बार हो गया, दैट इज मोर देन सफिशियंट। यस गुली ना, आप बना रहे हो प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो? है सर, बहुत सारे प्रोग्राम मैंने साथ साथ में कर लिए थे सर, और थोड़े बहुत रहते हैं वो मैं कर लूंगा सर। ठीक, वो साथ साथ में मैंने स्क्रीनशॉट खींच लिए थे, बस उसको वर्ड में कॉपी कॉपी कर लेना है, और कोई कोई तो मैंने सेव भी किए सर। ठीक है। तो एक तो है हमारा जो हमने लास्ट टाइम पे क्वेरी दी थी, दैट इज आई विल शो यू द क्वेरी। This is the query last week we have given. ਜਸਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਸਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਚੰਗਾ। ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ।
ऐसे ना करो। ये कहां से आ रही है आवाज़? ऑफ द ट्रैक। So moving to the this is the query that we have discussed last week. ठीक है, so there is a table that is the name of the table is vehicles. तो vehicle के बारे में information है, that is vehicle number is the primary key. Then we have type of the vehicle, company that manufactures that very vehicle, price of that very vehicle and quantity. So first the first is how to make this table. कैसे हम इस टेबल को बना सकते हैं? या श्रीया आप डिस्कस करोगे कैसे हम ये टेबल कैसे बना सकते हैं? You just briefly tell about the steps how to make this. Yes. So we can make this table by typing create table name. Then we can write the attribute name along with the type of data type. Yes. So that is how we are going to make the table. And next is we have to apply these three queries are there. Clear? So we have to basically insert six records we have to insert here. Clear? And then we can move and I will just show you the table. What is the table is there? So so this is the table I have already created and now we work with the first query. So what is the first query is, I will just read the first query. Clear? So display the average price of each vehicle having quantity more than 20. तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है? एवरेज प्राइस फाइंड आउट करनी है ऑफ ईच व्हीकल टाइप, ईच टाइप ऑफ व्हीकल हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20. सो यू कैन सी हियर इनटू द टेबल. इस टेबल में क्या है हमारे पास? एक तो हमने ये जो प्राइस है एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन द टाइप. जैसे ये देखो कि दो व्हीकल है, इनकी टाइप क्या है? ये एसयूवी है, ठीक है. और दो व्हीकल हैं दैट इज जिनकी टाइप जो है वो मिनी वैन मींस. तो इसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगी, बट ये भी है साथ साथ में दैट इज व्हीकल नंबर शुड बी क्वांटिटी शुड बी मोर देन 20 एंड ओनली दो ही व्हीकल्स हैं. क्लियर? फर्स्ट एंड दिस फोर्थ रिकॉर्ड जिसमें व्हीकल जो नंबर है वो मोर देन 20 है, बाकी सारे 20 से कम ही है. क्लियर? सो किसी ने ट्राई किया ये क्वेरी? एनीवन हु हैज मेड इट? So yes, Gurleen is ready with the haan ji haan ji Gurleen batao sir ek bar table show karna haan ji a table hi hai show hi hai ki bana rahe ho haan ji sir average nikalni hai na sir हाँ मैंने क्वेरी आपको बता दी है. आप
हाँ जी सर, सिलेक्ट फिर एवरेज लिखेंगे हम, फिर हम ब्रैकेट में डाल के प्राइस लिखेंगे, फिर एवरेज करके ब्रैकेट में हम प्राइस लिखेंगे, फिर एज एज करके उसको हम अपना कोई भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं उसको, फिर एज करके कोई भी नाम आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम से जो भी टेबल का नाम है, नाम है सर, उसके बाद वेयर यूज करेंगे हम सर, वेयर फिर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यस सर ठीक है। उसके बाद सर आखिरी में हम डालेंगे कॉलन का दूसरा जेड़ा होता है, सेमी कॉलन। हाँ जी सर सेमी कॉलन, सर नाम नहीं याद रहते सर मुझे इनके। चलो कोई बात नहीं, बाकी ये चीज तो याद रहते। तो दिस इज द एवरेज प्राइस। अब ये एवरेज प्राइस किसका निकल गया हमारे पास? अब क्वेरी में क्या पूछा था बेसिकली, नाउ आई विल जस्ट शो यू द क्वेरी अगेन। ठीक है, डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20। क्लियर, एंड आई विल शो यू द टेबल एज वेल एज द जो रिजल्ट बोला है गुरलीन ने। अच्छा काम किया है गुरलीन, यू हैव डन ए गुड जॉब, बट आई थिंक द क्वेरी इज नॉट सेटिस्फाइड टिल नाउ। ठीक है, बेसिकली इसमें तो एवरेज प्राइस आ गया, सभी का एवरेज निकल के आ गया इसमें से, जितने के जितने हैं यहाँ पे व्हीकल्स हैं सभी की एवरेज निकल के आ गई है। हमने क्या निकाली, हमने एवरेज निकाली है बेस्ड ऑन द टाइप। ठीक है, जैसे टाइप, टाइप में क्या, टाइप का क्या मतलब है, जो वैगन वाली है, जीप है, उनकी एक अलग से टाइप है, मिनी वैन की अलग से टाइप है, एसयूवी की अलग से टाइप है। सो Amarveer, yes, Amarveer want to say something on this. Sir, I'm not really sure, but मेरे according के average price हो सकती है price divided by quantity. So हम यहाँ पर condition नहीं 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 वो नहीं है, वो नहीं है बेटा, वो नहीं है, quantity से नहीं divide करना, वो तो कुछ और ही average निकल जाएगी, that is not the average price का मतलब ये है कि quantity से उसका कोई relation नहीं है, quantity सिर्फ query का part है कि quantity जो है वो vehicles की more than 20 होनी चाहिए, यहां पे वो डिवीजन नहीं होगी इसके साथ। या श्रिया वांट टू से समथिंग ऑन दिस? सो आई थिंक हियर वी विल यूज डिस्टिंक्ट फंक्शन एज वेल, डिस्टिंक्ट कंपनी टाइप, सॉरी डिस्टिंक्ट टाइप, डिस्टिंक्ट टाइप। ठीक है, चलो एक ट्राई ये होगी, एक एक ऑप्शन ये हो गया। Other than that, basically focus on the type of the type of the vehicle. तो type of the vehicle के लिए एक क्या कर सकते हैं, हम grouping कर सकते हैं, grouping of the vehicles. ठीक है, जैसे दो ही grouping हो सकती है, एक SUV की और एक mini van की, बाकी ये तो अलग अलग है, इनकी तो कोई grouping होगी नहीं। Wagon की भी एक ही type है और Jeep भी एक ही type है, clear? इनका कोई और vehicle तो है नहीं इस type का, तो mini van और SUV इनकी ग्रुपिंग हो सकती है, एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वैसे काफी काम गुरलीन ने कर दिया है, ग्रुप बाय टाइप ग्रुपिंग कर देगा। ग्रुप बाय क्लास क्या करती है, विल ग्रुप दी टाइप ऑफ द व्हीकल्स। जैसे टाइप ऑफ द व्हीकल्स में क्या है हमारे पास, एसयूवी पहले इनका ग्रुप बनेगा, फिर बाद में इनकी एवरेज कैलकुलेट होगी। ऐसे मिनी वैन है, इनकी सबसे पहले ग्रुपिंग होगी, उसके बाद उनके बाद इनकी एवरेज एवरेज कैलकुलेट होगी, और साथ में ये 20 वाली क्लास भी यूज होगी। वही वही व्हीकल सिलेक्ट होंगे जहां पे 20 क्वांटिटी जो है मोर देन 20 है। तो बस ये दो ही तो है इसमें, एक ये मिनी वैन है और एक एसयूवी है जिनकी क्वांटिटी क्या है 20 से ज्यादा है। सो वी जस्ट रन दिस वन, तो क्या आ गया हमारे पास, ये रिजल्ट आ गया। इसको थोड़ा और इंप्रूव करने के लिए वी कैन ऐड, यहां पे हम व्हीकल की टाइप भी डिस्प्ले करवा देते हैं।
तो मिनी वैन की एवरेज क्या आ गई, मिनी वैन की एवरेज आ गई ये, और वैगन की एवरेज आ गई ये। आई विल जस्ट शो यू द टेबल। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इसके ऊपर। अब ये देखो क्या है, मिनी वैन, मिनी वैन के केस में सिर्फ ये वाली सिलेक्ट होगी मिनी वैन, बिकॉज हमने चेक ये भी लगाया है कि क्वांटिटी 20 से ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी मिनी वैन तो सिलेक्ट होगी नहीं, क्योंकि दूसरी मिनी वैन की क्वांटिटी क्या है, 20 से कम है। क्लियर? और इसकी एवरेज, अगर अगर एक ही हमारे पास व्हीकल है तो जितनी जितनी उसकी वैल्यू है वही हमारे पास एवरेज आ जाएगी। और वैगन तो है ही हमारे पास एक है, वैगन तो मल्टीपल है ही नहीं हमारे पास, एक ही वैगन है। क्लियर? तो इसकी एवरेज भी वही आ जाएगी जितना इसका, जितना इसका प्राइस है। ठीक है, अगर इसके अंदर, अगर इसके अंदर ये 20 वाली क्लॉज ना होती, इफ अगर इसके अंदर ये 20 वाली क्लॉज ना होती, तो हम ऐसे टाइप वाइज अगर हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे ये टाइप वाइज एवरेज आ जाएगी, हर एक व्हीकल की किस तरह का व्हीकल है और उसकी एवरेज क्या है। ऐसे इसको चेक करके बताना मेरे को, ये सही एवरेज है या गलत एवरेज है, और ये कैसे, ये एवरेज कैसे कैलकुलेट की हुई है, इसका फॉर्मूला बताओ, हाउ द एवरेज हैज बीन कैलकुलेटेड। ऊपर टेबल गिवन है हमारे पास, गुरलीन को समझ आ गई है मेरे को लग रहा है। ठीक है, एंड ये व्हीकल है, जैसे वैगन है, तो वैगन अकेला ही है व्हीकल, तो इसकी एवरेज वही आएगी बिकॉज दिस इज सिंगल व्हीकल। सिमिलरली जीप है, ये जो जीप है ये भी सिंगल है, सिंगल टाइप ऑफ व्हीकल ही है, तो इसकी एवरेज भी देखो ये सेम ही है जीप की। ये मिनी वैन और एसयूवी की एवरेज टेक्निकली निकली हुई है, ये बता सकते हो कैसे निकली हुई है, एनीवन अदर देन गुरलीन, समवन एल्स हु वांट्स टू एक्सप्लेन। हां जी अनिश्री है सर, बाय एडिंग द प्राइस ऑफ टू मिनी वैन्स एंड एसयूवीज एंड डिवाइडिंग बाय टू। ये जैसे ये मिनी वैन है तो 15 लाख इस मिनी वैन की कॉस्ट है, और दूसरी मिनी वैन की 3.5 लाख है, और 15 और 3 18 बन जाएंगे, 18.5 बन जाएगी दोनों की कॉस्ट। 18.5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 and 9 and 1/4 ऑफ लैख बन जाएगा, ये 9,25,000 बन जाएगा इसका सम। 18.5 हजार का सम, 18.5 हजार का सम यही आएगा, हाफ यही आएगा 9,25,000। 18.5 का सम हाफ यही होगा या डिफरेंट होगा कुछ? और भी है हमारे पास, वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ। यस हर्षिता, हर्षिता ये ठीक निकली है एवरेज, या गलत तो नहीं निकली गई एवरेज? ठीक है तो ये क्वेश्चन अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है ये। सो देर आर सो मेनी पर्सन्स हु आर नॉट बेसिकली नो, वो कैमरा बंद करके चले गए चाय पीने। यस वंशिका क्लियर है ये क्वेश्चन, थोड़ा बता सकते हो इसके बारे में, एवरेज सही निकली है या नहीं? सर आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, व्हाई वी आर नॉट काउंटिंग इट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, लाइक दे हैव 15 इफ वी टॉक अबाउट मिनी वैन, सो दे आर 26 एंड द नेक्स्ट पार्ट इज 15, सो व्हाई वी नॉट कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। क्वांटिटी देखो बेसिकली क्या है, देखो अगर हमने दो व्हीकल्स की एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज प्राइस क्या है, तो क्वांटिटी को बीच में हमने क्यों लेके आना है, व्हाई वी वांट टू ब्रिंग इन द क्वांटिटी साइड। दो आप शॉपकीपर के पास गए, उसने बोला कि मेरे पास दो मॉडल साइकिल के, दो मॉडल हैं, एक 2500 का है और एक 3500 का है, आपने क्वांटिटी का क्या करना है, आपने तो एक एक साइकिल लेना है उठाना है, उसने किसी ने वहां से 20-20 साइकिल का तो हम ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे, तो कस्टमर गया है तो उसका एक साइकिल की कॉस्ट 2000 है, एक साइकिल की कॉस्ट 4000 है, एवरेज कॉस्ट क्या बनेगी साइकिल की। सो क्वांटिटी हमने कंसिडर करनी किस लिए करनी है ना, एवरेज कॉस्ट में व्हाई वी हैव टू कंसिडर द क्वांटिटी। ठीक है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मींस क्वांटिटी है, मतलब आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मे यू हैव सम अदर लॉजिक आल्सो। सर आई थिंक
So yes, it is calculated correctly. ठीक है. So moving to the SUV की ये जो कॉस्ट निकली हुई है, एवरेज कॉस्ट है एसयूवी की, ये है हमारे पास 25 लाख. तो जो मित्सुबिशी की एसयूवी है उसकी भी 25 लाख है, दूसरी की भी 25 लाख है, एंड यू नो द एवरेज प्राइस विल रिमेन सेम. नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेरी. अजय प्रताप आप पढ़ना ये सेकंड क्वेरी क्या है. द क्वेरी इज इन फ्रंट ऑफ यू. कौन सा पार्ट? बी पार्ट है, बी पार्ट. काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी. यस. तो ये देखो, जैसे ये हमारे पास टेबल में मारुति है, तो मारुति कौन कौन सा व्हीकल क्रिएट कर रही है? एक वैगन टाइप क्रिएट कर रही है और एक एसयूवी क्रिएट कर रही है. ऐसे ही महिंद्रा है, तो महिंद्रा मिनी वैन भी क्रिएट कर रही है और महिंद्रा जीप भी क्रिएट कर रही है. तो हमने क्या करना है, काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी. हर एक कंपनी कितनी तरह के व्हीकल क्रिएट कर रही, मैन्युफैक्चर कर रही है. सो एनीवन हु इज क्लियर विद द क्वेश्चन एंड भव्या विल ट्राई टू हेल्प एंड रन दिस क्वेरी. ठीक है. आई विल अगेन स्ट्रेस दी ये क्वेरी क्या है, एक बार फिर से इस क्वेरी को पढ़ लो. काउंट दी सेकंड क्वेरी इज काउंट दी टाइप ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी. हर एक कंपनी जो डिफरेंट तरह के व्हीकल कैलकुलेट कर रहे हैं उसका काउंट हमने फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट आई विल अलाउ भव्या टू. सर इसकी क्वेरी बनेगी सिलेक्ट काउंट टाइप फ्रॉम व्हीकल्स ग्रुप बाय कंपनी. काउंट टाइप टाइप फ्रॉम व्हीकल्स यस ग्रुप बाय कंपनी. यस. और अगर हम इसको थोड़ा बेटर वे से लिखना है तो इसको हम यहाँ पे हम कंपनी भी ले सकते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास डैटसन जो है वो एक तरह का व्हीकल क्रिएट कर रही है, महिंद्रा दो है, मारुति दो है, मित्सुबिशी वन है. क्लियर. सो हमने टेबल में भी ये देख लिया था, टेबल में भी ये सही है, ऐसे ही है सिंपली फ्रॉम दी, क्योंकि बहुत बड़ा टेबल तो है नहीं ये. फ्रॉम दी टेबल आल्सो यू कैन, यहां से हमें पता चल रहा है टोटल ये कंपनीज है, डिफरेंट टाइप की कंपनी है, मारुति है, महिंद्रा है, डैटसन है एंड मित्सुबिशी. फोर कंपनीज आर देयर और फोर के फोर ही इधर आ गई हैं और इनकी जो टाइप है सिमिलरली वी कैन चेक. जैसे मारुति है तो मारुति एक वैगन क्रिएट कर रही है और एक एसयूवी क्रिएट कर रही है. सिमिलरली महिंद्रा की अगर हम बात करें तो महिंद्रा एक जीप क्रिएट कर रही है एंड महिंद्रा एक मिनी वैन क्रिएट कर रही है. सो वी कैन इजिली कैलकुलेट एंड चेक द आंसर फ्रॉम द टेबल ऑल्सो. इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इजिली. ठीक है. नाउ वी मूव टू दी क्वेरी नंबर थ्री. इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है इन दी क्वेरी नंबर टू? एवरीवन इज क्लियर विद द क्वेश्चन? यस हर्षिता पढ़ो थर्ड क्वेरी पढ़ो. Display the total price of all the types of vehicles. थोड़ा explain भी करो मेरे को इसको, इसका मतलब क्या हुआ? Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, can you please explain B part again? Yes. Definitely. Jasmine has asked a question. So, second question में क्या था हमारे पास? काउंट दी टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी. ठीक है. हर एक कंपनी जो है वो काउंट करने हैं किस किस टाइप के, उसका हमें नंबर बताना है. काउंट दी टाइप ऑफ व्हीकल्स. ठीक है. तो कितने तरह के वो व्हीकल्स क्रिएट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बाय ईच कंपनी.
तो इस टेबल में भी जैसे आप देख सकते हो इस कॉलम में हमारे पास कंपनीज है और इस कॉलम में हमारे पास टाइप ऑफ व्हीकल है। जैसे मारुति की अगर हम बात करें तो मारुति की एक प्रेजेंस यहाँ पे है और एक इसकी प्रेजेंस जो है वो ये फिफ्थ रो में है। तो मारुति क्या है, एक वैगन क्रिएट कर रही है और एक एसयूवी क्रिएट कर रही है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कंपनी हमारे पास महिंद्रा, महिंद्रा क्या क्रिएट कर रही है, एक जीप क्रिएट कर रही है एंड यू सी इन दिस टेबल एक मिनी वैन क्रिएट कर रही है। तो महिंद्रा कितने टाइप के व्हीकल क्रिएट कर रही है, दो टाइप के। थर्ड कंपनी है हमारे पास मित्सुबिशी, इसकी एक ही एंट्री है इसकी, तो ये एक एसयूवी क्रिएट कर रही है। और फोर्थ कंपनी हमारे पास डैटसन, ये भी एक ही तरह का व्हीकल क्रिएट कर रही है, दैट इज मिनी वैन। तो हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, दैट इज हमने इसके ऊपर एक काउंट फंक्शन लगाया एंड यू कैन सी हियर इन दिस रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो हमने क्वेरी लगाई हुई है दैट इज वी वांट टू ये जो क्वेरी है सिलेक्ट कंपनी नेम, तो यहाँ पे कंपनी नेम डिस्प्ले हो जाएगा प्लस ये जो काउंट मेथड होता है, काउंट मेथड होता है हमारे पास ये एग्रीगेट फंक्शन होता है, ये काउंटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सारा का सारा पहले टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, फिर उसमें ग्रुपिंग हो जाएगी ग्रुप बाय कंपनी। तो ग्रुप बाय कंपनी में क्या हो जाएगा कि डैटसन कितने व्हीकल क्रिएट करती है, सिंगल। महिंद्रा कितने क्रिएट करती है, टू। मारुति कितने करती है, टू। और मित्सुबिशी कितने करती है, वन। तो इनका काउंट होने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, पहले कंपनी नेम डिस्प्ले हो जाएगा, फिर काउंट टाइप कितने तरह के वो व्हीकल्स क्रिएट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बाय दैट वेरी कंपनी, ठीक है। तो ग्रुप बाय क्लास में क्या होता है, जैसे हम ग्रुप बाय क्लास की कोई और हम रियल लाइफ कोई एप्लीकेशन कर सकते हैं, ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, कभी आपने लाइफ में ग्रुपिंग के बारे में, जैसे हमने स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग करनी है, अगर हमने स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग करनी है तो किस बेसिस पे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं, यस महक, अगर हमने स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाने हैं तो कौन से क्राइटेरिया पे हम ग्रुप बना सकते हैं स्टूडेंट्स के? सर वी कैन प्रेफर कि बॉयज और गर्ल्स डिफरेंट कर दो, या उनकी कौन सी फील्ड लिया उन्होंने, या हम ग्रेड वाइज ग्रुप बना दिया, ठीक है, हाइट वाइज हमने ग्रुप बना दिया, तो कोई भी हम क्राइटेरिया ले सकते हैं फॉर क्रिएटिंग दी ग्रुप्स। तो इसके अंदर हमने किस बेसिस पे ग्रुपिंग की हुई है, दैट इज वी हैव क्रिएटेड दी ग्रुप्स दैट इज दी बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ दी व्हीकल। टाइप ऑफ दी व्हीकल पे भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं या हम कंपनी के बेसिस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमने कंपनी के बेस पे कंपनी की टाइप जो डिफरेंट कंपनी है उसके टाइप पे हमने ग्रुपिंग किया, फिर हमने उसके व्हीकल को काउंट कर लिया। सो दिस इज ऑब्वियस बेसिकली क्वेरी बेसिकली एग्जीक्यूट्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे होती है, जैसे अगर हम सेकंड क्वेरी की हम बात करें तो कोई मेरे को ये एक्सप्लेन कर सकता है कि जैसे ये क्वेरी है सिलेक्ट कंपनी काउंट टाइप फ्रॉम व्हीकल्स ग्रुप बाय कंपनी, अगर मैं इस टेबल की बात करूं, ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है, तो इस टेबल के ऊपर ये कैसे काम कर रही है, कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि इस टेबल के ऊपर ये क्वेरी कैसे रन हो रही है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इस टेबल के ऊपर रन होके मेरे पास ये ऊपर वाला रिजल्ट कैसे आ रहा है? सो भव्या इज रेडी, यस भव्या, भव्या आराम से धीरे धीरे करके अपना टाइम लेके इसको एक्सप्लेन करना। ओके सर, तो सबसे पहले हमारी क्वेरी थी सिलेक्ट काउंट टाइप फ्रॉम व्हीकल्स ग्रुप बाय कंपनी, सबसे पहले हमारा टेबल व्हीकल सिलेक्ट होगा। यस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बेसिकली क्वेरी कैसे सॉल्व होती है। सबसे पहले ये व्हीकल पूरा ये टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, ये सारा का सारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर। सो दिस इज द स्टेप नंबर वन, यस भव्या। उसके बाद वी हैव यूज्ड द स्टेटमेंट क्लॉज ग्रुप बाय, तो जो भी कंपनी वाले होंगे वो मतलब मर्ज हो जाएंगी या कंबाइन हो जाएंगी एक तरह से, एंड देन यस जस्ट वेट भव्या। तो जो स्टेप नंबर दो बोल रही है भव्या, तो स्टेप नंबर वन है मेरी ये सारा का सारा पहले टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, फिर नंबर दो पे ग्रुप बाय क्लास, ये ग्रुप बाय क्लास। तो ये ग्रुप बाय क्लास में क्या होगा कि ये जितने हमारे पास रोज हैं इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी बेस्ड ऑन दी कंपनी। जैसे मारुति है तो मारुति का एक ये वाली रो और एक ये वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली दूसरी अगर हम बात करें तो महिंद्रा के भी दो रोज हैं ये और ये, इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी, और थर्ड डैटसन और मित्सुबिशी, इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी। यस नेक्स्ट,
then as we have used count function on type column, so type column पे वो count function पे काम करेगा. हाँ, yes yes, very good very good. तो ये तीन steps में ये query execute हो रही है. पहले step में यह पूरा का पूरा table select हो जाएगा, number दो पे grouping हो जाएगी और number तीन पे counting हो जाएगी based on the type जो हमने grouping बनाई हुई है based on the company. ठीक है, तो जो मरुति वाली कंपनीज है टाइप है वो काउंट हो जाएंगे, फिर जो महिंद्रा वाले थे वैसे ऐसे करके सारे काउंट हो जाएंगे. सो दैट इज हाउ द क्वेरीज इज बेसिकली रनिंग. सो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय भव्या. सो मूविंग टू द क्वेरी नंबर थ्री. हाँ यस हर्षिता, कुछ पता चला था क्वेरी नंबर थ्री में क्या है? सर हमें टोटल टाइप ऑफ व्हीकल्स का प्राइस निकालना है. वी हैव फोर टाइप्स. हाँ, टोटल प्राइस ऑफ द फोर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स वी हैव. ठीक है ठीक है. यस यस, अदर देन हर्षिता हु एनीवन एल्स हु वांट्स टू एक्सप्लेन द क्वेरी? क्वेरी का आंसर नहीं बताना मेरे को, जस्ट क्वेरी को एक्सप्लेन करना है. व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. यस गुलीन, बता सकते हो क्वेरी में पूछा गया है? हां जी सर, सिंपली वो बोल रहे हैं कि जितनी जितनी टाइप्स की व्हीकल हैं, जैसे आपके ऊपर दिखाइए टेबल. हां जी सर, जैसे वो बोल रहे हैं डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ व्हीकल. जैसे टाइप कितनी है, एक वैगन है, एक जीप है, एक एसयूवी है और एक मिनी वैन है. तो उसको पहले हमें जैसे ग्रुप बाय करके सर उसको इकट्ठे करना पड़ेगा, जिससे डुप्लीकेसी ना हो और अच्छे से एक्यूरेट आंसर आए. सर ग्रुप बाय करके उसके बाद हम उसका टोटल प्राइस निकालेंगे, जिसके जिसके जैसे एसयूवी दो बार लिख लिया, दो बार ही लिखी, उसका प्लस होके एक बन जाएगा. चलो चलो ठीक है ठीक है. कोई इसका आंसर बताएगा? हु विल टेल मी द आंसर नाउ? एनीवन हु इज रेडी विद द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी? यस मुस्कान, चलो ठीक है बेटा आप बताओ. सर सिलेक्ट सिलेक्ट सम प्राइस. सिलेक्ट सम प्राइस प्राइस फ्रॉम व्हीकल्स. ग्रुप बाय टाइप. तो ये जीप का आ गया हमारे पास प्राइस, एंड मिनी वैन का आ गया प्राइस, और ये एसयूवी का आ गया. एंड इज इट करेक्ट? देखो क्वेरी के अंदर व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेरी, लुक एट द क्वेरी. ठीक है, सो डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. तो टोटल प्राइस के अंदर क्या आएगा? टोटल प्राइस के अंदर क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई होगी. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मेरे हिसाब से रेक्टिफाई करना पड़ेगा. प्राइस इनटू टू जो दूसरा था हमारे पास एट्रीब्यूट क्वांटिटी. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज दी टाइप वाइज टोटल प्राइस ऑफ ऑल दी व्हीकल्स टाइप वाइज. जीप की जो जो टोटल प्राइस है ये आ रहा है, मिनी वैन का ये आ रहा है, एसयूवी का ये आ रहा है, और इसका ये आ रहा है. ठीक है, और अगर मैं इस क्वेरी के अंदर सिंपली अगर मैं इस क्वेरी में से ये ग्रुप बाय टाइप उठा दूंगा, तो कोई आंसर बता सकता है किस तरह का आंसर आ जाएगा?
Yes, Vanshika. We will get a combined answer. Total price आ जाएगा of all types of vehicles. Yes, all types of vehicles और जितने means हमारे means हम कह सकते हैं कि हमारी जो भी total valuation है total valuation of this whole of this table will be you will get by this one. ठीक है तो ये total आ जाएगा हमारे पास. So ठीक है सो ये जो क्वेरी थी दैट इज इंटेंशनली आई हैव पुट दिस क्वेरी थोड़ी सी ये डिफिकल्ट है क्वेरी. ठीक है तो इसमें ये है कि अगर किसी को थोड़ा बहुत नहीं भी पता चला बेसिक थिंग इज दैट एवरीवन शुड ट्राई टू मेक द टेबल्स. कम से कम पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है कि टेबल क्रिएट करना आना चाहिए सभी को. दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो सिंपल सिंपल क्वेरी है जो हम लगा के रिजल्ट निकाल सकते हैं सिलेक्ट के साथ वी शुड ट्राई इट आउट दिस वन. मैंने पहले भी बताया था दिस इज ये प्लस टू की ये क्वेरी है. क्लियर सो ये नहीं कि अगर किसी से ये हो नहीं रही तो वी शुड बी टू मच बॉदर्ड अबाउट दिस वन क्योंकि थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स है और बहुत सारे फंक्शन इसमें हमने वन बाय वन किए भी नहीं है. ठीक है तो अगर किसी को ये लग रहा है कि ये डिफिकल्ट लेवल की है सो ही कैन फोकस ऑन दी इजी सॉर्ट ऑफ स्टेप्स. लेकिन एटलीस्ट इसमें आपको टेबल क्रिएट करना आपको आना चाहिए. ठीक है कैसे हमने टेबल के कंटेंट्स देखने हैं कैसे हमने टेबल के कंटेंट्स को अपडेट करना है सो दीज ऑपरेशन वी शुड बी ऑल फेमिलियर विद. ठीक है सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज टू एवरीवन जैस्मीन कौर जसलीन तरुणजोत गुनवीर सिंह चेतनदीप वो कैमरा ऑन रखा करो क्यों कैमरा कहां छोड़ के चले जाते हो 20-30 मिनट के अंदर अंदर ही. यस यस निश्चय समझ आ रही है कुछ इसमें या नहीं ये डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है वैसे थोड़ा सा तो जेल होना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा देन यू विल बी नो एवरीवन विल बी एट पार. तो जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है दैट इज एक हमने फ्राइडे को भी सेशन लिया था टुडे आई विल आल्सो टेक अप वन मोर सेशन ऑन जैसे जिसको पाइथन में डिफिकल्ट लग रही है पाइथन. क्लियर सो दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन विद द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड एट 4:00 4:10 पे क्लास है आज भी रखी हुई. ठीक है सो एनीवन हु वोलंटरली वांट टू ज्वाइन दैट क्लास कैन ज्वाइन. ठीक है दूसरा हमारे पास जो हमने टॉपिक शुरू किया था दैट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में विल जस्ट ब्रश अप डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में एक है हमारे पास डेटाबेस एंड नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस दैट वी अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस. एक डाटाबेस में क्या होता है हमारे पास टेबल्स होता है क्वेरीज होती हैं रिपोर्ट्स होती हैं. तो टेबल इज द बेसिक यूनिट फिर क्वेरीज हम किस लिए यूज करते हैं डाटाबेस में कोई बता सकता है व्हाई फॉर विच पर्पस वी यूज क्वेरीज. यस चेतनदीप आप बताओ क्वेरी काम किस लिए यूज करते हैं डाटाबेस में. हाँ जी आवाज आ नहीं रही तुम्हारी. यस सो यस अजय प्रताप सिंह फॉर विच पर्पस मैनिपुलेशन यस फॉर वी यू फॉर मैनिपुलेशन. यस समवन एल्स यस गुरलीन सर टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस. यस यस तो बेसिक पर्पज यही है हाउ टू रिट्रीव द डाटा हाउ टू फेच द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस. सो फॉर दैट पर्पज वी मेक यूज ऑफ द क्वेरीज. एक था हमारे पास एक और है डाटाबेस के अंदर द टर्म इज दैट वी यूज्ड इन द डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर आल्सो रिपोर्ट्स. कोई रिपोर्ट्स के बारे में बता सकता है रिपोर्ट्स क्या होती है डाटाबेस में. और डाटाबेस में नहीं पता वैसे बता दो रिपोर्ट्स क्या होती है वट एवर यू नो अबाउट द रिपोर्ट्स. यस भव्या सर रिपोर्ट्स आर द वे आर द समराइज्ड वे टू डिस्प्ले द डाटा और द कंटेंट्स ऑफ द टेबल व्हिच वी हैव मेड. यस यस वेरी गुड. जैसे हमारे रिपोर्ट कार्ड आता है दैट इज एन एग्जांपल. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड भी एक जिसका नाम ही जिसमें रिपोर्ट आ गया रिपोर्ट कार्ड सो दैट इज आल्सो ए रिपोर्ट.
सो वेरी गुड एग्जाम्पल बाय बाय भव्या. और ये बेसिकली रिपोर्ट्स का जो मतलब है, इसने जो वर्ड यूज किया समराइज डाटा, दी समराइज डाटा इज बेसिकली द रिपोर्ट. ठीक है, जैसे हमने पूरी कैलकुलेशन करके बता दिया कि जितनी भी ये जो कार्स है हमारे पास, इनकी टोटल वैल्यूएशन कितनी है, तो वो एक समराइज डाटा है. ठीक है, सारी कैलकुलेशन करके हमने बता दिया कि इतनी जो वैल्यूएशन है हमारे पास, टोटल कार्स की जो वैल्यूएशन है वो इतना अमाउंट बन रहा है उसका. सो दैट इज बेसिकली समराइज फिगर इज कॉल्ड द रिपोर्ट. नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज वी हैव ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाई डू वी नीड डेटाबेस, दैट इज टू मैनेज लार्ज चंक ऑफ डाटा. क्लियर, तो इतना डाटा अगर हमने मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें डाटाबेस की रिक्वायरमेंट है. दूसरी है अगर हमें एक्यूरेट डाटा चाहिए तो उसके लिए भी हमें डाटाबेस की रिक्वायरमेंट है. ईज ऑफ अपडेटिंग द डाटा, सो वी कैन इजिली अपडेट द डाटा एज पर द रिक्वायरमेंट. सिक्योरिटी इज वन ऑफ द फीचर एंड इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स बेसिकली कंसिस्टेंसी एज वेल एज द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा. सो दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो इन डिटेल. नेक्स्ट हमारे पास डीबीएमएस. सो फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डीबीएमएस आर गिवन लाइक ओरेकल और MySQL हम यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर है, DB2 है IBM का. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर. तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में होता क्या है, डाटाबेस अलॉन्ग विद द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर. सो दैट इज कॉल्ड ए डाटाबेस सिस्टम. नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके कुछ एडवांटेजेस हमारे डाटाबेस को यूज करने के. वन इज इट रिड्यूसेस द रिडंडेंसी. रिडंडेंसी इज बेसिकली डुप्लीकेसी, तो डुप्लीकेसी को ये लेस करेगा, लेसन करेगा. सेकंड पॉइंट इज इट कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी. सो इनकंसिस्टेंसी इट विल मिनिमाइज द इनकंसिस्टेंसी. क्लियर, सो इनकंसिस्टेंसी मीन्स एन एग्जाम्पल ऑफ इनकंसिस्टेंसी कोई दे सकता है? Any real time example of real life example of inconsistency? So Bhavya, yes Bhavya. So जैसे हमने एक कोई table बनाया है या कोई भी हमारे पास. किया है, कुछ चेंज किया है एंड वही सेम उसी सेम बच्चे के या उसी सेम पर्सन के कहीं और भी डाटा है तो इस वे में अगर एक जगह किया है हमने चेंज तो वो दूसरी जगह नहीं हो सकता फाइल में. बट इन अगर हमने नहीं डाटाबेस में भी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है. ये नहीं है कि आपने जो अच्छी एग्जांपल दिया है वो फाइल सिस्टम में दिया, दैट इज फाइल सिस्टम को हमने लेके आगे. अब डीबीएमएस में, डीबीएमएस में भी हमारे पास इनकंसिस्टेंस डाटा हो सकता है. यस श्रिया, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? सर एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट का कोई एड्रेस है और वो अभी यहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल द सुहा का है और थोड़ी देर बाद उसका एड्रेस चेंज हो जाता है तो वो दो एड्रेस सेम डाटाबेस में स्टोर अगर हो जाता है तो वो उसकी टू कॉपीज हो जाती हैं तो उसको डाटा इनकंसिस्टेंसी कह सकते हैं. बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं ना, दी सेम पॉइंट हैज बीन हाइलाइटेड बाय भव्य आल्सो. तो ये बेसिकली फ्लैट फाइल सिस्टम में होता है. डीबीएमएस के अंदर तो ऑलरेडी ये चेक लगा होगा कि दैट इज वी शुड नॉट हैव टू एड्रेसेस ऑफ द सेम स्टूडेंट. ठीक है, बाकी इनकंसिस्टेंसी की और भी एग्जांपल है, दैट इज ऑन द लास्ट लेक्चर आई हैव गिवन यू. जैसे हम एटीएम में से हम पैसे विड्रॉ करते हैं तो एटीएम में से हम पैसे विड्रॉ करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है कि वो 10,000 रुपए हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाते हैं लेकिन पैसे तो बाहर निकलते नहीं एटीएम से. सो फॉर द टाइम बींग वी से दैट नो दैट इज द सॉर्ट ऑफ ए इनकंसिस्टेंसी आ गई है हमारे अकाउंट में. ठीक है, सो दैट इज हाउ टू रिजोल्व दैट सॉर्ट ऑफ इनकंसिस्टेंसी. तो उसका भी मैकेनिज्म है हमारे पास, दैट इज हाउ दैट इनकंसिस्टेंसी इज बेसिकली रिजॉल्व. तो इनकंसिस्टेंसी मीन्स दैट इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज इनकरेक्ट फॉर द टाइम बीइंग बट हाउ टू रिजॉल्व दैट एंड हाउ टू मेंटेन दैट, तो वो हमारे डाटाबेस में वो मैकेनिज्म होना चाहिए, दैट इज हाउ टू रिमूव दैट वेरी इनकंसिस्टेंसी. ठीक है, तो हमने उस दिन काफी इसके ऊपर डिस्कशन की थी, दैट इज हाउ दी कुछ कोई बता सकता है? यस वंशिका थी उस दिन उस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर. यस वंशिका, ऑन दी एटीएम इनकंसिस्टेंसी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो?
यस सर, आपने कहा था कि एटीएम में कई बार हम जब पैसे विड्रॉ करने जाते हैं तो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स वो पैसे हमारे क्रेडिट हो जा, मतलब कि हमारे यहाँ से हो जाते हैं कि हमारे हमें मैसेज आ जाता है कि हमने अपने पैसे निकलवा लिए लेकिन एक्चुअल में हमें मिलते नहीं है, तो इसके लिए फिर हमें ब्रांच मैनेजर के पास जाके उस इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करना पड़ता है या फिर जब वो टेक्निकली चेक करने आते हैं. 90% तो क्या होता है, 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद आपके अकाउंट में वो पैसे वापस आ जाते हैं. अदरवाइज इन इन सर्टन ऑफ द केसेस वो क्या होता है, दैट इज यू हैव टू गो रिपोर्ट टू द बैंक दैट माई अकाउंट हैज बीन डेबिटेड लाइक दिस. तो मीन्स हर मैकेनिज्म को रिजोल्व करने के लिए नो द मैकेनिज्म इज अवेलेबल इन साइड द डेटाबेस. सो हाउ टू हैंडल द इनकंसिस्टेंसी, ठीक है. ऐसे ही हमारे पास दी फ्यू मोर एडवांटेजेस लाइक शेयरिंग ऑफ डाटा. तो शेयरिंग ऑफ डाटा जो है मींस कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो तो ऑल जहां जहां पे भी आपका अकाउंट की इंफॉर्मेशन है एवरीवेयर दैट इंफॉर्मेशन इज बेसिकली शेयर्ड अपॉन. कि जैसे अगर मैं एक ही अकाउंट में से दुसुआ से ट्रांजेक्शन करता हूँ तो लेट से मैंने अपनी एटीएम किसी और के पास है, वो ट्रांजेक्शन लेट से बॉम्बे से करता है, तो जब भी वो कर रहा है ट्रांजेक्शन इट डजंट मीन वो डाटाबेस क्या होता जाएगा, वो इंफॉर्मेशन शेयर होती रहेगी. सो दैट इज वन ऑफ दी अनदर वन मेजर फीचर ऑफ दिस डीबीएमएस सिस्टम है. फिर है हमारे पास अनश्योर सिक्योरिटी. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमारा सिस्टम सिक्योर ही नहीं है सो वट इज दी फन ऑफ यूजिंग दैट वेरी सिस्टम. एंड द लास्ट एडवांटेज इज दैट इट मेंटेन्स इंटीग्रिटी. तो इंटीग्रिटी मीन्स डाटा वैलिडेशन ऑल्सो. कि जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे ये डेट एंटर की हुई है, सो ऑलरेडी दी सिस्टम नो दी सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ डेट बिकॉज यू नो देयर इज अ चेक कि जो मंथ की वैल्यू है इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 12. सो इट इज 31/31/2000. सो दी सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ डेट. क्लियर. सो दीज आर दी सम ऑफ दी चेक्स एंड बैलेंसेस विच आर देयर इन आवर डाटाबेस. क्लियर. सो थोड़ा सा थ्योरी को भी पढ़ते रहो साथ साथ में एंड ट्राई टू डू जो भी हम टेबल्स कर रहे हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो. एंड स्टिल अगर किसी को कोई यू वांट टू हैव सम जिसको बेसिक में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है सो यू कैन ज्वाइन दी 4 o'clock क्लास ऑल्सो. यस, एट लास्ट किसी की कोई क्वेरी है? हाँ जी, यस सर. वो मेरा जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं हो रहा सर. क्या, कौन सा नहीं इंस्टॉल हो रहा सर? जुपिटर एनाकोंडा सर और जुपिटर नोटबुक. जुपिटर नोटबुक, ठीक है ठीक है. चेतनदीप की ड्यूटी लगा देते हैं. चेतनदीप इज नाउ नो वेरी वेल जेल. क्यों चेतनदीप, बता सकते हो इसको? बताओ, थोड़ी आपस में भी हेल्प किया करो एक दूसरे की. कर सकते हो इसकी हेल्प? कर देंगे सर. चलो ठीक है, कोई नहीं. आज आप भी आ जाना 4 o'clock में, देख लेते हैं क्या है उसके अंदर, क्या इशू आ रहा है. ठीक है जी, कोई ऐसा नहीं. थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन द क्लास. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.